अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर मुजम्मिल हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मलिक वीलॉग देख रहे हैं। डियर व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक होम्योपैथिक मेडिसन अग्निशिया अमारा है। आज हम आप लोगों के साथ अग्निशिया अमारा पर डिस्कस करेंगे। अग्निशिया अमारा गम, डर, मोहब्बत में नाकामी के बुरे असरात के लिए बहुत मुफीद दवा जानी जाती है। इसके अलावा इस दवा का मरीज़ बोलते या चबाते वक्त अपनी ज़बान या गाल को अंदर से काट लेता है। बहुत ज़्यादा तज़ादात इस दवा में पाए जाते हैं, मसलन गले के दर्द को निगलने से आराम, बवासीर को चलने से आराम महसूस होता है। डियर व्यूवर्स, इस टॉपिक को आगे लेके चलने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो लोग मेरे इस YouTube चैनल पर नए आए हैं उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों में WhatsApp और Facebook पर शेयर कर दें। सो चलें टॉपिक की तरफ चलते हैं। इन तमाम अलामात के अलावा नामर्दी के साथ शदीद नफसानी ख्वाहिशात, सर दर्द को आगे से झुकने में आराम महसूस होता है, अपनी जगह बदलने वाले दर्द, अज़ा में सरसराहट, तशंजी और हिस्टेरिया तकालीफ में बेहद मुफीद दवा जानी जाती है, घोड़ गाड़ी पर सफ़र करने से कब्ज़, सिगरेट के धुएँ से सर में दर्द का इजाफा महसूस होता है। इस दवा के मरीज़ शदीद उदास रहते हैं, आहें भरने के साथ साथ आंसू बहाते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं। ऐसे मरीज़ों का मिजाज बदलता रहता है। खांसी के दौरे के बाद मरीज़ गंदगी में चला जाता है। इसके अलावा मरीज़ रहम से खून का अखराज, हैज़ जल्द जल्द ज़्यादा मकदार में आए और लकोरिया बदबूदार और ख़राशदार होता है। लास्ट टॉपिक की बात करूंगा, आंखों और पपूटों में तशंदी दौरे पड़ते हैं, तकलीफ़ में इजाफा किन अलामात पर होता है। शाम के वक्त लेट जाने के बाद, तम्बाकू या कॉफ़ी के इस्तेमाल के बाद और दिमागी तहरीक से इन तमाम अलामात में इजाफा महसूस होता है। तकलीफ़ में कमी किन वजूहात पर होती है? दर्द वाली जानब लेटने से, दबाव से, ज़्यादा पेशाब के अखराज से और गर्माइश से तकलीफ़ में कमी महसूस होती है। डियर व्यूवर, ये था हमारा आज का टॉपिक। इन तमाम अलामात को मद्देनज़र रखते हुए आप होम्योपैथिक मेडिसिन अग्निशिया अमारा की 30 और 200 पोटेंसी को इस्तेमाल कर सकते हैं और इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आप रहनुमाई लाजमी लें अपने तबीब से। अगर मेरे से आप रब्ता करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और आप अपनी रहनुमाई ले सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने तजर्बे की बात करूं तो मैंने हिस्टेरिया के मरीज़ा में इस मेडिसिन को इस्तेमाल करके बहुत बेपना फ़वाद हासिल किए हैं। चंद ही दिनों में इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दें। एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।